हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूँ वीना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। गाइस, आज आफ्टर सो लॉन्ग मैं आप लोगों के लिए मीशो ज्वेलरी हॉल वीडियो लेकर आई हूँ। इसके पहले जो भी मैंने मीशो ज्वेलरी हॉल किए हैं वो मोस्टली मैंने सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के किए हैं और ज्वेलरी सेट किए हैं, इयर रिंग्स किए हैं। बट दिस टाइम मैंने कुछ डिफरेंट पीसेज मंगाए हैं। अभी पहले जितने भी मैंने हॉल किए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होगा और ट्रेंडी पीसेज हैं और मैंने कुछ कॉम्बोज मंगाए थे, तो देखते हैं और शेयर करती हूँ मैं सारी चीज़ें जो भी ज्वेलरी हैं आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को ये सारी ज्वेलरी अच्छी लगेंगी, मेरे को अच्छी लगी। सारी प्रिटी पीसेज हैं, अच्छी हैं सारी की सारी। सो विदाउट एनी ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद आर फर्स्ट ज्वेलरी। तो जो फर्स्ट हमारी ज्वेलरी है वो है ये रिंग्स हैं, बहुत सारे 15 रिंग्स हैं इसमें। ये फिंगर रिंग्स हैं और बहुत ही प्रिटी हैं सारे के सारे। सिल्वर में है ये, और आप बोलोगे गोल्डन पीसेस बोले थे और सिल्वर दिखा रही है, तो ये बस यही है जो सिल्वर है। तो मेरे को बहुत प्रिटी लग रहे थे और मेरे को मेरी नज़र पड़ी इन पे, तो सबसे पहले इन पे ही पड़ी थी तो मैंने सबसे पहले इसको ही ऑर्डर किया था और ये मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैं आपको सारे पीसेस दिखाती हूँ फटाफट से। इतनी पीसेस हैं, इतनी पीसेस मैं आपको ऐसे दिखा नहीं सकती। और तो कुछ ट्रांजिशन करते हैं इस टाइम पे, मैं सारे को अरेंज करके फिंगर में फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने कर लिए अरेंज सारे के सारे। आप देख सकते हो कितने प्यारे पीसेस हैं, बहुत सुंदर हैं। कुछ मेरे को लूज आ रहे हैं, फिट नहीं आ रहे, दो चार इनमें कैसे भी कुछ को अरेंज किया है मैंने, तो ये अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर हैं। वैसे तो 15 पीसेज हैं, आप चाहो तो इनको सबको एक साथ स्टाइल करो, या फिर सिंगल सिंगल पहन सकते हो, या फिर दो तीन फिंगर में भी पहन सकते हो, कम को पहनो या फिर सारों को पहनो, जैसे भी आप स्टाइल करना चाहो कर सकते हो। और सबके डिज़ाइन अलग हैं तो अच्छे लग रहे हैं। और इनको स्टाइल करने की बात करें तो इनको आप पिस्तान के साथ, ड्रेसेस के साथ और ट्रेडिशनल के साथ, सबके साथ स्टाइल कर सकते हो, सबके साथ पहन सकते हो। बड़े अच्छे लग रहे हैं ये मेरे को। इसका प्राइस है 177 में इतने सारे रिंग्स मिल गए, और क्या चाहिए। और ट्रेंडी भी हैं तो बहुत अच्छे हैं 177 में, इससे ज़्यादा क्या ही मिल सकता है। वैसे मिलने को मिल भी सकता है, आजकल तो टॉप्स भी आ जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं 177 में। मीशो पे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट ज्वेलरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, और जो नेक्स्ट है वो है सेम रिंग्स ही हैं, इसमें भी बहुत सारे 8 या 9 हैं। ये गोल्डन में है, वो सिल्वर में थे, ये गोल्डन में है। तो इसमें आई थिंक 9 पीसेज हैं, 9 या ऐसे कुछ हैं, या 9 पीसेज हैं इसमें। ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो इनको भी मैं अभी अभी पहनूंगी, तो मेरे को अरेंज करने में भी दिक्कत हो रही है, तो मैं आपसे मिलती हूँ इसको पहनने के बाद। तो ये मैंने इनको अरेंज कर लिया और ये मेरे को थोड़े लूज़ हो रहे हैं, वो उसमें से 1-2 ही लूज़ हो रहे थे सिल्वर वाले में से, बट इसमें काफ़ी सारे लूज़ हो रहे हैं। ये जितने मैंने पहन रखे ना यहाँ पे, ये सारे के सारे लूज़ हो रहे हैं। बट अगर पीसेस की वैसे बात करें तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये सारे के सारे। और ये देखो, ये ऐसे लूज़ हो रहा है। तो इनको भी स्टाइल करने की बात करें तो इनको भी सेम हम वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ, ड्रेसेस के साथ और ट्रेडिशनल के साथ भी पहन सकते हैं, सिंगल भी पहन सकते हैं, सारों को एक साथ भी पहन सकते हैं। और इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 176 है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है क्योंकि ये गोल्डन पीसेस है आई थिंक, इसीलिए इसमें 80 पीसेज हैं और वो सिल्वर थे इसीलिए उनके ज़्यादा थे। तो ये भी अच्छा पीस है, मेरे को अच्छा लगा, आई थिंक आप लोगों को भी अच्छा लगेगा क्योंकि ट्रेंडी पीस है और जनरली गर्ल्स ऐसे रिंग्स पहनना पसंद करती हैं, तो मेरे को लगता है ये आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो ये थी हमारी सेकंड ज्वेलरी, और ये कॉम्बिनेशन मैंने इसे बोला था कॉम्बो पैक क्योंकि इसमें बहुत सारे रिंग्स हैं दोनों में। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ज्वेलरी पे। तो नेक्स्ट ज्वेलरी जो है वो नेक पीस है, ये मैंने कॉम्बो में ही मंगाया था, इसमें 3 पीसेज आए हैं और ये इस तरीके के नेक पीसेज हैं। और इसका प्राइस मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी आपको मैं देख के बताऊंगी। तो ये सिंगल पर्ल है इसमें और बाकी के हैं स्टाइल थोड़ा सबका मैच ही कर रहा है, बस पर्ल्स का डिफरेंस है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। तो ये
थोड़ा लॉन्ग लग रहा है मेरे को, तो मैंने थोड़ा इसको शॉर्ट किया पीछे से, और ये कुछ इस तरीके से है, काफ़ी एलिगेंट सा पीस है, अच्छा लग रहा है। तो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पीस पे। तो नेक्स्ट पीस कुछ इस तरीके का है और इसमें तीन पर्ल्स हैं, उसमें सिंगल पर्ल था और ये इस तरीके से लग रहा है। ये थोड़ा लॉन्ग है, मैंने अभी इसको थोड़ा सा ऐसे टिकाया हुआ है पीछे, बट ये थोड़ा लॉन्ग आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है और काफ़ी अच्छा है, एलिगेंट पीस है सारे के सारे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट में फर्स्ट में सिंगल पर्ल था, उसके नेक्स्ट वाले में तो तीन पर्ल्स थे और इसमें पांच पर्ल्स हैं। तो इसको भी पहन के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके से है, ये भी काफ़ी एलिगेंट लग रहा है। तो ये तीनों डिफरेंट तो हैं, थोड़े बहुत डिफरेंट हैं, और इनको हम वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं, और इनको भी हम चाहे तो सूट के साथ, साड़ी के साथ, हर आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। और इनका मैं प्राइस बता देती हूँ आपको। तो वो इसका जो प्राइस है वो 150 है। 150 में मेरे को तीन पीसेस मिले हैं ये, तो 150 में ये काफ़ी अच्छे पीसेस मिले हैं, तीन पीसेस हैं और कॉम्बिनेशन में आया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। ये हो गई हमारी थर्ड ज्वेलरी। अभी आ जाते हैं हम फोर्थ पे। तो फोर्थ जो मैंने लिया है वो ये, तो ये आप देख सकते हो बहुत अच्छा पीस है, ट्रेंडिंग है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा, और मेरे को ये बहुत पसंद आया। इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, इसका प्राइस जो है वो 174 है। तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी ज्वेलरी दिखाई है सारे के सारे अंडर 200 हैं, और एक्चुअली सारी ज्वेलरी अंडर 200 ही है। तो ये मेरे को सारी ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही है। और अभी आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। आई डोंट नो लाइफ क्यों फ्लक्चुएट हो रही है और मेरी वीडियो की ऐसी की तैसी कर रही है लाइट। तो जो नेक्स्ट है वो ब्रेसलेट है, और इसमें भी फाइव ब्रेसलेट्स हैं, कॉम्बो है ये भी। और आप देख सकते हो ये फर्स्ट है एंड दिस इज सेकेंड वन। ये काफ़ी बड़ा है, ये मेरे को सही से आ नहीं रहा, तो शायद मैं इसको प्रेस करूँ तो ये ठीक से आए, ऐसे अभी नहीं आ रहा। दिस इज थर्ड वन, दिस इज फोर्थ वन, और एक है। तो ये है, इसमें पांच पीसेस हैं और ये पांचों पीसेस बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो इनको, इन ब्रेसलेट्स को आप सिंगल स्टाइल करो या फिर पांचों को साथ में करो या एक दो को साथ में करो, इनको कैसे भी स्टाइल कर सकते हो। वेस्टर्न के साथ ही अच्छे लगेंगे, वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ और ड्रेसेस के साथ भी अच्छे लगेंगे। मैं आपको इसका प्राइस बता दूँ, तो इसका जो प्राइस है वो है, ये 251 में लिया था मैंने, और ये अंडर 200 नहीं है, ये 200 से ज़्यादा है। और अब क्या रहता है, एक नेक पीस बच गया हमारा, ये भी काफ़ी अच्छा है, ट्रेंडी है, ये कुछ इस तरीके का है। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और इसको आप वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ, ड्रेसेस के साथ और सूट के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, अच्छा लगेगा ये पीस इन सब के साथ। और इसका जो प्राइस है वो 88 है। तो बस एक जो मैंने ब्रेसलेट का सेट दिखाया था वो 251 का है, उसके अलावा जितने भी पीसेस मैंने आपको दिखाए हैं सारे के सारे अंडर 200 हैं, और ये सारे बहुत ही ट्रेंडी पीसेस हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आई होप आप लोगों को भी अच्छे ही लगेंगे। तो ये थी सारी ज्वेलरी जो मैंने मीशो से मंगाई थी, जो थोड़ी डिफरेंट है, जो भी मैंने पहले ज्वेलरी हॉल कर रखी है उससे थोड़ी डिफरेंट पीसेस मंगाए थे मैंने इस बार। तो ये थी आज की सारी ज्वेलरी, इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे हिट कर देना, सो दैट आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।